1948 के जोजिला एवं कारगिल ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस एवं सुरवीरता का परिचय देते हुए इस पुल को अपने अधीन किया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नियंत्रण रेखा काला पहाड़ हरका बहादुर पुल सिंगो नदी NH पुल NH-1D काक्सर द्रास के लिए रास्ता छनीगुट और कारगिल के लिए यही वो हिस्टोरिकल ब्रिज है जिसके लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और इस ब्रिज को और अपने देश की भूमि को बचाते हुए हरका बहादुर यहाँ पर शहीद हुए थे जो अभी मेमोरियल हमने स्मारक बना है हरका बहादुर स्मारक। तो हमने यहाँ गाड़ी रोक दी और आपको भी दिखा देते हैं। हरका बहादुर मेमोरियल कारगिल एक मैप भी है यहाँ पर बना हुआ। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नियंत्रण रेखा काला पहाड़ हरका बहादुर पुल सिंगो नदी NH पुल NH-1D काक्सर द्रास के लिए रास्ता छनीगुट और कारगिल के लिए रास्ता। ओके यह स्मारक ये देख लो, पोस्ट करके आप पढ़ लो। हरका बहादुर राणा मिलिटेंट क्रॉस एवं अन्य सभी सूरवीरों की याद दिलाता है जिन्होंने 1948 के जोजिला एवं कारगिल ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस एवं सूरवीरता का परिचय देते हुए इस पुल को अपने अधीन किया। यही जो सामने पहाड़ियां हैं उसी के पीछे वो भीषण वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये है वो शानदार जगह कारगिल वॉर 1948 और जो 98 का जो वॉर हुआ था उसकी ये जगह। यही वो हिस्टोरिकल ब्रिज है जिसके लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और इस ब्रिज को और अपने देश की भूमि को बचाते हुए हरका बहादुर यहाँ पर शहीद हुए थे जो अभी मेमोरियल हमने देखा। बहुत ही पुराना ब्रिज है, अभी भी ये यूज़फुल है, लोग यहाँ से वहाँ आना जाना करते होंगे इस ब्रिज के ऊपर। थोड़ा नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज।
वहाँ से चलेंगे वापस और अब जाएंगे वॉर मेमोरियल के लिए। यहाँ से निकलेंगे, बीच में चाय पियेंगे कहाँ, अगर अच्छी चाय मिल गई तो। ये मेरा ओरिजिनल कलर है और ये मेरा डुप्लीकेट। कारगिल बहुत ही मीठा पानी है, सीधा पहाड़ों से आ रहा है। बिस्लेरी का बाप है ये, शिवलेरी है। हमारे सामने गोले चलते रहे, हम ऐसे करके चलते हैं पहाड़ों में पहुंचते हमें तो कुछ, हम यहीं पे बैठे रहे, हम कहीं नहीं गए। ऐसे जैसे कोई धीरे धीरे गलती, लाइटें नहीं जलती थी, धीरे धीरे में गलती।